डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सिविक्स के चैप्टर टू को जानेंगे। टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पार्ट टू में मैंने बताया था आप लोगों को स्टीरियोटाइप्स और ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो इसमें हम आज जानेंगे कि ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी जब भेदभाव किया जाता है तो क्या होता है। देखिए, भेदभाव के बारे में मैंने बताया था कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, धर्म को लेकर के भेदभाव किया जाता है। लेकिन ये डाइवर्सिटी हमारी पावर है। लेकिन यदि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, अनटचेबिलिटी जो है, आप जानते हैं कि संविधान जो जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उसके साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। उसको एक जगह क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, उसको सार्वजनिक कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। तो भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, तो एक बार उसके साथ जो है स्टेशन मास्टर ने भी वही की थी भेदभाव, तो वो इसमें शेयर किया है भीमराव अम्बेडकर। अब क्या है वो जानिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था, व्हिच टुक प्लेस इन 1901 में, व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। उस समय वह सिर्फ 9 वर्ष का था। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। वह कोरेगांव गया अपने भाई और कजिन के साथ मिलने, जो कि कोरेगांव भी महाराष्ट्र में है। तो लॉन्ग डेड वी वेट, यानी अम्बेडकर जी कह रहे कि हमें बहुत समय तक या काफी समय तक इंतजार करना पड़ा, बट नो वन टर्नेड अप, कोई नहीं आया, किसी का ध्यान नहीं गया। इन आवर एलेप्स, जब एक घंटा हो गया, एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, तब स्टेशन मास्टर उससे पूछताछ करने आता है। ही आस्क्स फॉर आवर टीचर, स्टेशन मास्टर उससे टिकट के बारे में पूछता है। तो वी शोड देम टू हिम, तो क्या करते हैं अम्बेडकर जी, टिकट दिखाते हैं स्टेशन मास्टर को। ही आस्क्ड अस वेयर वी कैरी, वी टोल्ड हिम दैट वी वेयर बॉन्ड ऑफ कोरेगांव। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि हमें कोरेगांव जाना है, एंड दैट वी आर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम। तो मैं अपने पिताजी और पिताजी या उसके नौकर के आने की प्रतीक्षा में हूँ, ये अम्बेडकर ने कहा। बट दैट नीदर हैड टर्नेड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, कहता है कि मैं कैसे पहुंचूंगा कोरेगांव, ये मुझे पता नहीं है। वी वेयर वेल ड्रेस चिल्ड्रेन, तो अम्बेडकर जी उसके कजिन और ब्रदर जो थे पूरे वेल ड्रेस थे। तो फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ द अनटचेबल्स, यानी कोई नहीं जान सकता था, जैसा उनका पहनावा था कि कोई नहीं कर सकता था कि ये शूद्र है। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वेयर ब्राह्मण चिल्ड्रेन, स्टेशन मास्टर ने उसको समझा कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं, लड़के हैं। तो एंड वॉज एक्सट्रीमली टॉस्ट एट द प्लाइट ऑफ इन विच ही फाउंड अस, एज इज यूजुअल अमंग द हिंदू, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हू वेयर, तो स्टेशन मास्टर ने उससे पूछा कि कौन है, कौन हो तुम। तो फिर अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं महार जाति से हूँ, वी वेयर महार्स, महार इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही वाज स्टंड, तो अचंभित हो गया स्टेशन मास्टर कि ये क्या बात है। तो इस तरह से भेदभाव को हम जानते हैं, अंडरवेंट, we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. उसके बाद as soon as he heard my reply, he went away. जैसे उसने मेरी आवाज सुनी, अम्बेडकर जी की आवाज सुनी, स्टेशन मास्टर चला गया अपने कमरे में। एंड वी स्टूड वेयर वी वेयर, और मैं, अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं जहाँ था वहीं खड़ा रहा। तो 15 of 20 minutes elapsed, 15 से 20 मिनट बीत गया। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, सूर्यास्त होने को थी। आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट,
ना तो उस अमित जी के पिता लेने आए, ना ही कोई नौकर भेजा। वी वेर क्वाइट वी वाइल्डर्ड, हम लोग घबरा गए थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, जो जर्नी के आरंभ में उसको जो आनंद मिला था वो सब आनंद खत्म हो गया। तो आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, डेढ़ घंटा के बाद स्टेशन मास्टर आया एंड आस्क्ड अस, और अम्बेडकर जी से पूछा कि व्हाट वी प्रपोज टू डू, क्या करना है आपको। अब वी सेड दैट इफ वी कुड गेट ए ब्लॉक कार्ट, यदि मुझे बैलगाड़ी मिल जाती तो मैं चला जाता, लेकिन बैलगाड़ी वाले भी उसको ले जाने से मना किया, मना कर दिया, क्योंकि वो अनटचेबल थे। तो देखिए इस तरह से भेदभाव, केवल सिर्फ आप जानते हैं कि मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था केरला में, साउथ इंडिया में, तो ये भेदभाव हमारे संविधान में निषेध है। आर्टिकल 17 कहता है कि हम किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हमारे पास 5 रिट है जो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, यानी महार जाति में अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने कॉलेज एजुकेशन प्राप्त की एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, और इंग्लैंड गए एक वकील बनने के लिए, कहां गए, इंग्लैंड गए। ही एनकरेज दलित, उसने दलितों को प्रोत्साहन दिया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए स्कूल और कॉलेजों में। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, उसने दलित जातियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए भी मोटिवेट किया, प्रेरित किया। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, उसने कहा कि दलितों को इस जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। एंड वर्क टुवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, और ऐसे समाज हो जहां सबको सम्मान मिले, नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन, यानी सबको सम्मान मिले, ठीक है। तो इक्वलिटी के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा गया। और आर्टिकल 14 में क्या है, ये आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी की बात, आर्टिकल 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं हम लोग अब भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में भी अब क्या है, आरक्षण है, उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, कैटेगराइज कर दिया गया है, जनरल कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, ईडब्ल्यूएस, तो इस तरह से कैटेगरी में बांट दिया गया है। रिजर्वेशन 1990 से चल रहा है और ये रिजर्वेशन भी खत्म होने वाले नहीं है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन जब होती है, अम्बेडकर जी के साथ हुए वो, क्योंकि अम्बेडकर जी के पिताजी वो फौजी थे तो इसलिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, और अम्बेडकर के साथ जब खुद घटित हुआ ये घटना तब उसे ठोकर लगी और उसने दलित जातियों के उत्थान के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं इसी चैप्टर से और कुछ टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।